दोस्तों आज 27 मई 2021 का दिन है और आज से करीबन 10 दिन पहले भिवंडी के एक यंग बच्चों का एक ग्रुप है लाइफ इन भिवंडी। ये बच्चे, मैं खुद, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भिवंडी की फील्ड में। लाइफ इन भिवंडी के इन नौजवान बच्चों ने कुछ राशन की दुकानों का एक वीडियो वायरल किया था जिसमें पब्लिक ने शिकायत की थी कि उन्हें पावती नहीं मिलती, उन्हें दौड़ाया जाता है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और एक खुशी की बात आज ये देखने में आई कि आज यानी 27 मई को भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख ने पर्सनली कुछ दुकानों पर जाकर विजिट की। दुकान नंबर 96 और दुकान नंबर 163 शायद, इन दुकानों पर एमएलए रईस शेख ने खुद जाकर विजिट की। ये भिवंडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एमएलए पर्सनली राशन की दुकानों पर गया है। इसके लिए रईस शेख साहब की तारीफ होनी चाहिए। रईस शेख साहब के साथ भिवंडी राशन ऑफिस के अधिकारी भी थे। रईस शेख साहब ने अपने अंदाज में, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कड़क उनको वार्निंग दी, कार्रवाई करने की मांग की। अब देखना ये है कि उन भ्रष्ट दुकानदारों पे कार्रवाई होती है या हमेशा की तरह अधिकारियों के साथ साठगांठ करके ये लोग अपना गोरख धंधा चलाते रहते हैं। बहरहाल भिवंडी के लोगों को, भिवंडी के इन नौजवान बच्चों से जो कि लाइफ इन भिवंडी के नाम से ग्रुप चला रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए और जहां कहीं भी कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज की इस वीडियो के सामने आने के बाद पत्रकारों की एक संस्था, जनक्रांति पत्रकार संस्था, जिसका मैं खुद कार्याध्यक्ष हूँ, जनक्रांति पत्रकार संस्था अपने लेटर पैड पर कल DCR साहब के पास इस मामले की लेखी में शिकायत करेगी। और जो लोग इस महामारी के दौर में भी राशन माफिया का गोरख धंधा चला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। अपने आसपास ध्यान रखें, जब भी कुछ गलत हो आवाज़ उठाएं। FN न्यूज़ चैनल के लिए मैं जुबैर मोमिन, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आगे देखिए रईस शेख साहब की विजिट का वीडियो। मी हे सगळ्यांना असेंब्ली मध्ये दाखवणार आहे तुमच्या मंत्री समोर। मी दाखवणार आहे वही जे रिफ्लेक्शन आहे आमच्यावर का तुम्ही हे असं करणार काय? ही तुमचा रेकॉर्ड आहे, तुमचा CR आहे। मी दाखवणार आहे छगन भुजबळ ने साहेब जाऊन दाखवणार आहे की तुमच्या अरे काय करता, हे बघा हे वही आहे। अरे हा माणूस सर्वांना सांगतो येऊ नका, एक कस्टमर नाही पंचनामा करून द्या, तुमचा पंचनामा पाहिजे। मी आलो इथे, ही वहीची हालत आहे, यांचं नाव पंचनामा करून मला पाहिजे। मी असं घेणार नाही, तुमचं तुम्हाला फेमस करतो ना आता तुमचं नाव घेऊन। सॉरी काय, तुम्हाला पगार काय कशासाठी, त्याच्यासाठी मला पंचनामा करून हे पाहिजे। हा चार वाजता तुम्ही पंचनामा करून द्या, हे काही कस्टमर नाही। सर्वांना सांगतो की येऊ नका, अशी तक्रार एक दोन गिराय होती बघा, तुझं इन्स्पेक्शन होणार आहे। दुकान का नंबर छूट गया ना, दुकान का नंबर छुपा हुआ इससे। हाय सर,
कंप्लेन नंबर दुकान खुलने चालेल ना.